तलाश थी कश्मीर के मोस्ट वांटेड खूंखार आतंकी जाकिर मूसा की। यूपी के अमरोहा में उसकी मौजूदगी के इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। उसी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसी खोजबीन में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनआईए के हाथ आ गए देश को सिलसिलेवार धमाकों से दहलाने की बड़ी साजिश के तार। कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। इसी के बाद बुधवार तड़के दिल्ली और यूपी में 17 जगहों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापे में बरामद हथियारों ने एनआईए की नींद उड़ा दी। देसी रॉकेट लॉन्चर, 12 पिस्तौलें और 25 किलोग्राम विस्फोटक खेप के साथ सामने आया आतंकी संगठन आईएसआई से प्रभावित होकर बना नया आतंकी संगठन हरकत उल हर्ब इस्लाम, जिसके दहशतगर्द सिलसिलेवार बम धमाकों से देश को दहलाने की साजिश सबसे नजरें बचा कर रच रहे थे। हिरासत में लिए गए 16 संदिग्धों में से 10 की गिरफ्तारी पर देर रात एनआईए ने मोहर लगा दी है, जबकि 6 संदिग्धों से अब भी पूछताछ जारी है। वही आरोपियों का परिवार उनकी बेगुनाही का दावा कर रहा है। उन्होंने क्या करा वहाँ पर लोगों ने कि उन्हें पूरी फैमिली को बाहर करा है और फिर चेकिंग करी है, फिर उसके बाद बताया ना। वहाँ तो उन्होंने ऐसा नहीं करा ना प्रोसीजर जैसे यहाँ करा कर उन्होंने, कि यहाँ उन्होंने अपने दिखाया देखो ये हथियार है हमारे पास और कुछ नहीं है, और यहाँ उन्होंने अपना दिखा दिया, एक साइड बिठा दिया। मैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं करा ना, मतलब क्योंकि वो इन चीज़ों से खिलाफ था, क्योंकि वो ज़्यादातर के जैसे हमारे किसी घर में रिलेटिव के घर में टीवी हो तो वहाँ तक नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ों से नफरत गलत है, शरीयत के मुताबिक है, तो वैसे कोई काम नहीं करता जिससे ना देश का नुकसान हो ना अपने इस्लामगढ़ को नुकसान हो। एनआईए के मुताबिक पिछले एक महीने से सभी संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर थे। एनआईए के मुताबिक दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर और कई बाजारों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बम धमाकों से दहलाने की साजिश थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इसे फिदायिन हमलों के जरिए अंजाम दिया जाना था। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी आतंकी साजिश में सबसे खतरनाक मंसूबा था अगले महीने यूपी के प्रयागराज में शुरू होने वाला कुंभ, जहां दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटने वाले हैं। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह भी इनके निशाने पर था। 3 महीने पहले अमरोहा से हथियार खरीदकर कश्मीर जाने की कोशिश में जुटे एक आतंकी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। तब किसी को भनक भी नहीं थी कि अमरोहा में आतंक की इतनी बड़ी साजिश चोरी छिपे रची जा रही है। एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि सुहेल पिछले 9 महीने से एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था, जिसने उसे आईएसआई से जोड़ा था और वेब के जरिए जिहादी ट्रेनिंग दी थी। कि विदेश में बैठा एक हैंडलर था जिससे ये सारे लोग लगातार संपर्क में थे और उसी के इशारे पर पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में साजिश रची जा रही थी, हमलों की साजिश तैयार की जा रही थी। संदिग्धों के पास से 7.5 लाख रुपए कैश, 100 मोबाइल फोन, 135 सिम कार्ड, लैपटॉप और मेमोरी कार्ड जब्त किए गए हैं। 120 अलार्म घड़ियां भी बरामद की गई है। एनआईए का दावा है कि इनसे टाइमर बम बनाने की तैयारी थी। अपने दावे के समर्थन में एनआईए की छापेमारी में बरामद मोबाइल की खेप में एक मोबाइल में बम बनाने का वीडियो भी मीडिया में पेश किया गया। सभी आरोपियों को आज दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। इसी के बाद खुलासा हो पाएगा कि आतंकी साजिश का ये तार और कहां कहां तक फैल चुका है और इसे कहीं पाकिस्तानी मदद भी तो नहीं मिल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।